नर्मदा नदी के तट पर मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में डुबकी लगाकर मकर संक्रांति पर्व पर भिक्षुओं को खिचड़ी, तिल और दक्षिणा का दान दिया है। इस मौके पर पंडित गजेंद्र ने कहा कि हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई त्योहारों को मनाने की परंपरा है। मकर संक्रांति का त्यौहार उन्हीं में से एक है। शीत ऋतु के पौष मास में जब भगवान सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का त्यौहार देश भर में उल्लास के साथ मनाया जाता है। हंडिया से बलबीर सिंह खत्री की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के पर्व काल में बहुत से श्रद्धालु जन डुबकियाँ लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन पर तिलदान, अन्नदान में खिचड़ी का दान होता है, कंबल का दान होता है और विशेष महत्वपूर्ण दिन है ये। और मकर का सूर्य है, इसलिए यहाँ पर माँ रेवा में स्नान ध्यान करके सिद्धेश्वर मंदिर में दर्शन अभिषेक करते हैं और श्रद्धालुगण बहुत सारे दर्शनार्थी भी हैं, दर्शन करते हैं। माँ नर्मदा का नाभि स्थल है और नाभि स्थल नाभि यानी मध्य भाग है माँ नर्मदा जी का। सामने सिद्धेश्वर मंदिर है, साइड में रिद्धनाथ मंदिर है और यहाँ पर दर्शन पूजन अभिषेक